हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है कि दानापुर भीठा एलिवेटेड रोड का स्ट्रक्चर अब तैयार होने वाला है। ये जो देख रहे हैं, मैं आपको दानापुर से भीठा तक लेकर चल रहा हूँ, पूरे रोड का भी कंडीशन दिखा दे रहा हूँ। पता नहीं फ्यूचर में ये देखने को मिले या नहीं मिले, ये ग्रीनरी हो सकता है फ्यूचर में और बेस्ट हो जाए, क्योंकि फोर लेन नीचे रहेगा प्लस एलिवेटेड रोड रहेगा। एलिवेटेड बनेगा तो इसे भी फोर लेन बनाया ही जाएगा। तो इसी मंथ यानी कि सितंबर में इसका टेंडर जारी होने वाला है, जो कि लगभग 25 किलोमीटर लॉन्ग है। अभी जो है ये शिवाला का एरिया है, ये सब संकरा रोड जो आप देख रहे हैं, ये सब अब फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, क्योंकि नीतीश जी के काल में शायद हो सकता है चेंज हो जाए ना, तो हो सकता है कोई और भी गवर्नमेंट आए। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं, मुझे बस प्रोजेक्ट को दिखाना है और डेवलपमेंट को दिखाना है। लेकिन मैं नितिन गडकरी जी का सपोर्ट करता हूँ, उनकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे पटना बक्सर फोर लेन है, पटना गया फोर लेन है, सहिस्ताबाद गया फोर लेन है, कुछ उसमें ग्रीनरी भी है, और फिर बख्तियारपुर रजौली फोर लेन है। तो इन सब प्रोजेक्ट का जो है कि इसी 10 ईयर में काया पलट हुआ है। तो ये सब जो देख सकते हैं, ये न्यूडा का एरिया है। तो तेजस्वी जी और नितिन जी के द्वारा बैठक में इसे कहा गया कि बहुत जल्द इसका प्रोजेक्ट का कार्य स्टार्ट होगा। ऐसे टोटल मैं बता दूँ आप लोगों की 20 एकड़ का मसला फंसा हुआ है, 5 एकड़ पत्सा में है, 10 एकड़ कृषि विभाग का है या 5 एकड़, और 10 एकड़ जो है कि दानापुर रेलवे स्टेशन के पास जमीन फंसा हुआ है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। बस इतना ही काम है और बहुत जल्द टेंडर होगा। देखिए किसके अंदर टेंडर जाता है। इससे पहले तो था तो 2500 करोड़, फिर 2800 करोड़, फिर 3300 करोड़ का खर्च था, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है क्योंकि नए सिरे से टेंडर जारी होगा, इसीलिए नया कॉस्ट होगा। मैं इस चीज़ को क्लियर बता दे रहा हूँ। और इसकी जो रैंप होगी वो 4 जगह डाउन होगी। वो तो जब मैप जो न्यू कंपनी जो इसे लेगी तो किस हिसाब से वो डिज़ाइन करती है, वो रैंप कहाँ गिरेगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊँ वैसे तो एक शिवाला पे हो सकता है, शिवाला से आगे गिराए, मतलब जो दानापुर से 3 किलोमीटर आगे बढ़िएगा आप, तो वहाँ एक गोलंबर है जो कि नवतपुर को रास्ता करती है, बक्सर की ओर जाती है, फिर दानापुर की ओर जाती है, दानापुर स्टेशन की ओर जाती है, तो वहाँ पे एक रैंप गिरने वाला है। तो हो सकता है उसे चेंज कर दिया जाए, वो रैंप थोड़ा सा आगे गिरे, 500 मीटर पहले गिरे, 500 मीटर का अंतर होता है तो जगह का नाम चेंज हो जाता है। 500 मीटर आगे गिरेगा तो न्योड़ा हो जाएगा, 500 मीटर पहले गिरेगा तो कोठियाँ हो जाएगा। इस तरीके से एग्जैक्ट जगह मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ये जो देख रहे हैं ये भीठा सर मेरा फोर लेन है, या फिर यूँ कहूँ कि ये पटना रिंग रोड का भाग है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कन्हौली का भाग है, और मैं सीधे आपको लेकर चल रहा हूँ। ये सारे रोड का रीडेवलपमेंट होगा, तो जैसे जैसे इसका कार्य चलेगा मैं कंटिन्यू आपको अपडेट दूंगा। अभी मैं एक रिस्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो इसका डायग्राम है वो ऐसा है, कुछ ग्रीनरी है, कुछ खूबसूरती है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन बनने के बाद जो है कि उससे और बेहतर खूबसूरती हमें और आपको मिलेगी। बिहार को एक नया वरदान मिलेगा, एक नई लाइफलाइन मिलेगी, जिससे कि आप भीठा एयरपोर्ट आराम से जा सकते हैं और आप लोगों के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये जो एरिया है पत्सा का एरिया कहलाता है इस तरफ, तो इस तरफ थोड़ा बहुत ज़मीन फंसी हुई है क्योंकि फोर लेन जो कहा गया एक्चुअल में, हालांकि लोगों के द्वारा कहा गया कि फोर लेन ये है जिस पे गाड़ी चले, लेकिन रियल में फोर लेन ये नहीं है। मैं फिर से बता दूँ, एलिवेटेड पार्ट हो सकता है लेकिन फोर लेन कुछ गाँव में भी लिया गया है, कुछ ग्रीनरी भी है, कुछ ग्रीनफील्ड भी है। तो जैसे जैसे इसका वर्क चलेगा, जो सामने आएगा मैं दिखाऊंगा। अगर मैं ये दिखा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि फोर लेन यही हो, मैं फिर से कह दे रहा हूँ। हो सकता है नया अलाइनमेंट तैयार हो, ज़मीन का कॉस्ट ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट चाहेगी कि नया अलाइनमेंट हो जाए, तो जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो देख रहे हैं, चलिए आगे मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है आगे का। ये मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कोलवर साइड, यानी कि जो यहाँ पर हॉस्पिटल है वो भी सबसे ज़्यादा जो रोड की कंडीशन ख़राब है वो यहाँ से आगे, यानी भीठा गोलंबर से आप कोलवर साइड जाइएगा आड़ा साइड, तो थोड़ा सा दूरी पर कोलवर पुल से तो काम हुआ ही हुआ है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड ख़राब है, और NDRF के पास सबसे ज़्यादा जो रोड ख़राब है वो है।